तो आज मैं आपको एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ इंडोक्राइनोलॉजी में से, ठीक है, हार्मोन्स के बारे में। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है हार्मोन के बारे में? सुना है? कितने लोगों ने सुना है, हाथ खड़ा करो जरा। बस चार ही लोगों ने सुना है, 10th क्लास तक के बच्चों में से सिर्फ चार ही लोगों ने सुना है। सच सच बिल्कुल फ्री फील करना है। कुछ हिस्से हमें नहीं आते चीज़ों के बारे में, कुछ हिस्सा आता है, लेकिन जिस हिस्से को, जिस जो हिस्सा आपको आता है उसके बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जवाब देना है, ताकि आपके टीचर को पता चले आप में कि आप कितना इम्बाइब कर चुके हैं अभी तक और हमें कितना पढ़ाना है आगे। हार्मोन के बारे में किसी ने सुना है? हाथ खड़े करो, शाबाश। मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि हार्मोन के बारे में किसी ने सुना है? नहीं सुना है? अच्छा ठीक है फिर। अच्छा, कुछ हमारे बॉडी में कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, स्पेशली अभी इसाक सर ने जैसे आपको एडोलेसेंस के बारे में बताया, ठीक है, तो क्या आप में से किसी को एडोलेसेंस समझ में आया? एडोलेसेंस का एज ग्रुप बच्चों, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि एडोलेसेंस में कुछ चेंजेस आते हैं, यानी एक बच्चा जो है वो एडल्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब बच्चा एडल्ट में चेंज हो रहा है उसके बीच में एक स्टेज आता है, उसे एडोलेसेंस बोलते हैं। और इस एडोलेसेंस के एज को जानने के लिए कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे मुझे पता चल जाएगा ये बच्चा एडोलेसेंस वाले एज ग्रुप में से है जरे, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये बच्चा एडोलेसेंस वाले एज ग्रुप से बिलोंग करता है? हार्मोनल चेंजेस जैसे कि एग्रेसिव बिहेवियर, जैसे कि अभी अभी पढ़ा, यंग वॉइस चेंज, यंग फीमेल्स में पिच का हाई हो जाना, यंग ब्रॉड शोल्डर हो जाना, ठीक है, यंग है ना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाना फीमेल्स में। इस तरीके के कई सारे चेंजेस आते हैं किसमें? एडोलेसेंस वाले ग्रुप वाले बच्चों में। अब ये जो चेंजेस आए हैं वो कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हुए हैं कि बाहर से कुछ और छिड़कते हैं, आपको कुछ अलग से खाने के लिए देते हैं घर पे? इंटरनल चेंज हुआ है। ये इंटरनल चेंज कौन कर रहा है? इसका मतलब बहुत सारे बच्चों को पता था हार्मोन्स, है ना, पता था, ठीक है, मुझसे झूठ नहीं बोलना, मैं बिल्कुल झूठ पकड़ लेती हूँ जल्दी से। अच्छा ठीक है, हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आते हैं। अब हार्मोन्स होता क्या है, क्या किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है हार्मोन्स क्या होता होगा, कहाँ होता होगा? अच्छा बस, ब्लड में कुछ ऐसे केमिकल्स होते होंगे जो ब्लड में यानी पानी जैसे मीडियम में घुल जाता होगा, है ना। यानी आज हम डेफिनेशन से जब भी शुरू करना हो, डेफिनेशन, ठीक है, नाम साइंटिस्ट एग्जाम में आंसर्स भी जाना, पहला डेफिनेशन ही करना शुरू बचा, है ना, आंसर को कंस्ट्रक्ट करते समय पहले डेफिनेशन से शुरू करना है, पूछा क्या हुआ है उसके बारे में इंट्रोडक्शन क्यों नहीं, इंटरनल डेफिनेशन पहुँचा, यानी हॉर्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? चीन मिनसुक हार्मोन इंटेस्टाइन होते ना, हार्मोन चीन मिनसुक केमिकल मैसेंजर, क्या है हार्मोन? केमिकल मैसेंजर्स विच डस लॉट ऑफ फंक्शंस रेंजिंग फ्रॉम हंगर, रिप्रोडक्शन, एंड इवन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लाइक इमोशनल चेंजेस एंड बिहेवियरल कंट्रोल। ठीक है, हंगर जैसे, रिप्रोडक्शन है, बिहेवियरल चेंजेस हैं, इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि इस एज में आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि हम लोग पश्चिम से हो सुजरे असेंबली का जर ना बस बोमो सरंजान छिमा तम शुरू छा चल, ठीक है,
और अगर मैं किसी लड़के को बोलूँ, टीचर्स बोलते हैं हेयर कट करके आ जाओ, उनके ईगो हर्ट हो जाता है ना। अगर इससे बड़े किसी को बोले तो इतना नहीं होता। तो ये क्या है, आप बहुत ही सेंसिटिव स्टेज में हो, जहाँ पे आपके हॉर्मोन्स क्या है, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है हॉर्मोन्स का। अब ये हॉर्मोन्स कई सारे फंक्शंस को हमारे बॉडी में कंट्रोल करते हैं, फंक्शंस इवन कि आपके हंगर को लेकर, इवन कि रिप्रोडक्शन के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो हॉर्मोनल कंट्रोल में होता है। तभी तो एक टाइम के बाद ही रिप्रोडक्शन शुरू होता है। एक बच्चे में रिप्रोडक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। एक प्यूबर्टी के स्ट्राइक करने के बाद ही क्यों रिप्रोडक्शन के लिए आपका बॉडी तैयार हो जाता है, वो तो चीन जमाना। ये आपका बॉडी क्या है, हार्मोन के इन्फ्लुएंस में है कि नहीं, ठीक है। आज हमें पता चला कि हार्मोन्स चेंज हो, तो केमिकल मैसेंजर चेंज हो, जो कि फंक्शन, जिसके कई सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस कहाँ, हंगर, रिप्रोडक्शन और भी सारे फंक्शंस, जैसे कि आपको प्रिपेयर करना फ्लाइट, फाइट और फ्राइट के दौरान, यानी लड़ने के लिए, छुपने के लिए या डरने के लिए खुद को प्रिपेयर करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इमोशनल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही है, हॉर्मोन्स की वजह से हो रही है। और हॉर्मोन्स बेसिकली ग्लैंड्स के थ्रू क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या करते हैं, रिलीजेस हॉर्मोन्स। मगर आपसे अगर पूछा जाए, हॉर्मोन्स ग्लैंड सिर्फ हॉर्मोन से रिलीज बात आजर ना, आपका जो स्लाइवा है मुंह में, स्लाइवा है वो तो हार्मोन है ना, मीन स्लाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट हो रहा है ना, मगर ठीक है। यंग ट्यूमर और सीबेशियस ग्लैंड है ना, आपके यहाँ जो ऑयल का सिक्रीशन हो रहा है, यदि आम पिट सुन ऑयली सो सोचन, यदि बॉडी ऑयली सो सोचन, उन सब सिक्रीट सीबेशियस ग्लैंड के थ्रू सोचें। तो ये जो सीबेशियस ग्लैंड है, क्या ये हार्मोन है, सीबम जो है क्या ये हार्मोन है, मैन ठीक है। इसका मतलब ग्लैंड्स बेसिकली दो किस्म के होते हैं, कौन कौन से, एक्सोक्राइन ग्लैंड, आशावाश, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये शब्द कुछ सुना सुना सा लग रहा है, एंडोक्राइन कब सुना था, अभी सुना था, अभी सुना था, ठीक है। अब कोई मत बोलना कि हम अच्छा मत और बिंजू जरे, एक बार बोलना है जी, गर्ग ग्लैंड पो एंडोक्राइन ग्लैंड, गर्ग ग्लैंड पो, ठीक है। देखो टेंथ में ना बहुत सारी चीज़ें, 8, 9, 10th में बहुत सारे वोकैबुलरीज ना रश कर जाती है, नदियंता तसे टीचर फान छाचिन क्लास नजर इंच, तो यंता जी छाचिन चमेन यंता दू मिसंबर क्वेश्चन ना चाह दू म्यो मर ना चाह ना म्यो म्यो मत नहीं यंता फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक सिक्स तक इवन की यंता स्कैफोल्डिंग छाचिन यंता ठीक बस वोकैबुलरी सब सिलेबस सब चिन जब बस सब चिन तक यंता छो शब्द का तो चिन लेकिन ऐसे कि यंता सिल चिन दे चंगा दिया एंडोक्राइन ग्लैंड जो बने यंता एक बार एक दो बार चिक जरूर अपना खामा सो से बुक पर सिले चाहे एंडोक्राइन ग्लैंड चीन चुक जरूर। किताब के बगैर कभी भी लेक्चर अच्छे से फॉलो नहीं होता है, ठीक है। दियम तंग मना खामा सो से सिले ऊंचा, दियम तंग मना खामा सो से, और जो बच्चा टॉक करना चाहता है उसे क्या करना है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं, हम जब हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, हॉर्मोन्स क्या है, सिक्रीशंस, एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं। इसके सिक्रीशन को हम हॉर्मोन्स नहीं बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम बेसिकली 9 ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे, कितने ग्लैंड्स के बारे में, 9 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। दी 9 ग्लैंड्स सुनिस पूरी तरीके से नटी बॉडी केमिकली कंट्रोल बचन, ठीक है। ग्लैंड की शुरुआत कहाँ से होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन अंगनु गर्ग ग्लैंड पहुँचे, पिट्यूटरी पहुँचे, ग्यारह चुकला ब्रेन अंगनु गर्ग ग्लैंड पहुँचे, पीनल ग्लैंड पहुँचे, ठीक है, पीनल ग्लैंड पहुँचे, यंग ब्रेन अंगनु गर्ग ग्लैंड पहुँचे, नस पीनल ग्लैंड जरे जुक चावस। पीनल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थर्ड आई जिन जमाना, एक तो शिव की तीसरी आंख है जरे दी कहे मुस्तान इन दोनों, कुछ यहाँ पे इन दोनों लोब्स के बीच में कुछ यहाँ पे होता है, देख ला थर्ड आई जिन। दूसरी चीज़, पीनल ग्लैंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है लाइट को लेकर,
यानी एरा बाहर लंगीमा छा न गतो एरा ठीक बस नीद उचिन यंग निमा मन मरिंग मधु जो खूब कमरा जानु निमा सर दुख न एरा छल न ठीक बस नीद यंग जमीन। तो हमारा जो पीनल ग्लैंड है वो हमारे सर्कैडियन राइम्स को यानी आपके स्लीप और डे साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कौन आपका कौन सा ग्लैंड? ठीक है। और एक ग्लैंड है हमारे पास जिसका नाम क्या है, कौन सा ग्लैंड है हमारे पास? जो पी से शुरू होता है आशावाश। एंडोक्राइनोलॉजी में एंडोक्राइन ग्लैंड में से पहला ग्लैंड हमारे पास कौन सा है? पिट्यूटरी है। आज हम पिट्यूटरी को अच्छे से कवर करेंगे, मगर पिट्यूटरी सिवा और भी ग्लैंड्स है। जैसे मैंने कहा 9 ग्लैंड्स है, पहला पीनल है, दूसरा पिट्यूटरी है, तीसरा ठीक है थायराइड ग्लैंड है, ठीक है यंग ची उम्र देना खुद आशाबाश पैराथायराइड ग्लैंड है, और कौन सा ग्लैंड है? आशाबाश एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल यंग ची उम्र नती का उम्र किडनी होता है, किडनी के ऊपर एड मनी अबव रीनल, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड। उसके बगैर मेल और फीमेल्स में स्पेसिफिक एक ग्लैंड होता है, मेल खुलियंग फीमेल खुलियंग टेस्टिस और ओवरीज। फीमेल उन्हें ओवरी उच्च, मेल यहाँ ओवरी उच्च ना, फीमेल उन्हें यहाँ टेस्टिस, मेल उन्हें यहाँ टेस्टिस, यहाँ ना चुकला यहाँ एक ग्लैंड यो, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे आशावाश स्टमक में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल सर पेंक्रिया चो तो इंटर डायग्राम दे हम वो क्या है, वो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और एक ग्लैंड यंगा ग्लैंड हो मन गति, ठीक है थाइमस ग्लैंड होता है। अच्छा गति सबसे पहला पिट्यूटरी, ठीक बस इसलिए आज हम पिट्यूटरी के बारे में बढ़िया से जानेंगे, ठीक है। पिट्यूटरी गस ग्लैंड चेंज है, मतलब खोए ओरिजिन पता लगा तो ड्यूअल ओरिजिन इन खोए चीन ड्यूअल ओरिजिन, ड्यूअल ओरिजिन से मतलब दो ओरिजिन है गति ओरिजिन गस गस्तान एक्टोडर्मल एंडोडर्मल मेसोडर्मल ताता कि खो फुल डन जाना, फुल डन जाना तीन जर्म लेयर डन चिन गति, तीन जर्म लेयर ओचिन गति दी तीन जर्म लेयर में उन्होंने फिसते दो एक्टोडर्म जर्चिन नंग किले दो मीजो डर्म जर्चिन नंगो से दो आशवाज एंडो एंडोडर्म चीज जर्चिन फिसतो आवा फिसता हुआ एक्टो स्किल पोला मीजो नंगोस पोला एंडोडर्म जर्चिन यारी चम चिकित्सा उद नगतो वो तो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन इन यारी साव, ठीक है। अब गति जैसे कि दीरी गति डर्मिस पो यानी यारी स्किन पो न नर्व पो अलग चिकी ना मेन शाव ना साव अलग चीज शिकिने यारी पिट्यूटरी यारी से पार्ट चाउल दानी यारी शे पार्ट चाउल दानी यानी यारी दीरी रत किस पाउच पाउच मुझे अब ये वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है दूसुबा से गिल ना फूले दीरी नर्स को युक्त होता से फूल बना दूसुबा से युक्त होता से फूल बना दी नर्व को गिल होता से फूल बना गता दी का हिस्से गिला नहीं दुआ इसी पार्ट का क्या डेवलप्ड होता है गति पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी क्या है पिट्यूटरी ड्यूअल इन ओरिजिन है यानी नर्वस इन ओरिजिन भी है और डर्मल इन ओरिजिन भी है ठीक है और पिट्यूटरी साइज पसंद क्यों चीज है ना साइज पता क्यों चीज मटर के दाने जितना चम क्यों चीन मटर के दाने जितना मगर इस दाने को क्या कहते हैं ऑल्सो नोन एज आशाबाश मास्टर ग्लैंड मास्टर ग्लैंड दो चीजें चिन्ह गए पहले जमाने में देखा गया कि पिट्यूटरी इतने सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है और वो हार्मोन्स सेकेंडरीली इतने सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है तो ऐसा माना गया इस ग्लैंड को अगर निकाल देंगे तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन बाद में जाके पता चला, अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, बाद में जाके पता चला कि पिट्यूटरी के बगैर भी कुछ ऐसे और ग्लैंड्स हैं जिनके बगैर इंसान सर्वाइव
नहीं कर सकता, तो हम बेसिकली खा मास्टर ग्लैंड जैसा थोड़ा सा गलत है, मगर ज़्यादा गलत नहीं है, क्योंकि ये इतने सारे हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है और सेकेंडरीली इतने सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है कि खे रोल बहुत इंपॉर्टेंट जो थी जो, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अगर क्वेश्चन कैसे आता है अब, ठीक है, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, दी का क्वेश्चन हो चुन, ठीक है, और यहाँ पिचुट्री का ओरिजिन बताइए, एक्टोडर्मलिना, एंडोडर्मलिना, मेसोडर्मलिना, ड्यूलिन ओरिजिन इंजर ना, ड्यूलिन ओरिजिन, ठीक है, दो ओरिजिन उत्खय, और यंग पिचुट्री कहाँ होता है जरना, यदि स्कल इन अनुप सुनसे हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर चोजन, हॉर्स शू शेप जब छुदता स्ते कंगमाओ अगर का तो कला नगर तो शेप चिल्लन चिन, हाँ वो जो शेप स्ट्रक्चर चूचिन जिसको हम क्या बोलते हैं, सेला टर्शिका, ठीक है, सेला टर्शिका कहा जाता है, दी कैविटी वी मीन पॉइंट, कैविटी विच होल्ड पिच्यूट्री, वो कैविटी जो कि क्या करता है, पिच्यूट्री को होल्ड करता है, गर गति ब्रेन पियानो, ठीक है। अब ये पिच्यूट्रीज, दी पिच्यूट्री अगर कहते हो स्ट्रक्चर को स्थान कहते हो गता स्ट्रक्चर पर चुकशील दंजिन, स्ट्रक्चर पर गता अगर चुकशील दंजिन, स्ट्रक्चर पर गता कुछ इस तरीके से बनेगा, दू गति न्यूरल इन ओरिजिन, दू गति एड्रिनल यानी दू गति चीन, दू गति डर्मल इन ओरिजिन पॉइंट, दी पार्ट पर डर्मल इन ओरिजिन, दी पार्ट पर न्यूरल इन ओरिजिन, खैंग नु गज जसना सोमा वर्ड इन छोर में नंबो एक बार रंग रिपीट बचा, अच्छा न्यूरल इन ओरिजिन, अगर ये तम नाम समझ ना टीचर नंबो, अगर ये तम डूल भी कोशिश माना का तो चीज अच्छी टीचर नंबो डूल भी कोशिश बखनी फ्रून इस नंबो नंबो मुश्किल सर का वर्ड इन नंगोस नजा में नोजल, अच्छा न्यूरल इन ओरिजिन, डर्मल इन ओरिजिन, अच्छा दू इंच नंबो जर मैंने चेज में पहली बार छोरी दे पहली बार छोरी मैंने देखा ना मिजर चा अच्छा नहीं है मुश्किल था मंदू जू जरे नहीं सिल्वर गोज दे सबके साथ चलना ना आप लोगों को, ठीक है। और दिस टाइम पे हम लोग हर जगह से जहाँ आप कंप्यूटर से भी पढ़ सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, आपके पास इतने सारे रिसोर्स टीचर्स हैं, किसी से भी पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी है आपके पास, इतने सारे वीडियोज अवेलेबल है, उधर टाइम पे कभी भी एक्सक्यूज मैन की अच्छा मुश्किल छे दू जू जरे मिजर चा, ठीक है। तो एक बार टीचर वर्ड पसंद नेक्स्ट टाइम चीन मिन सुख जबाना सर इसका दो हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है हमारा न्यूरल इन ओरिजिन दू छीन गति डर्मल इन ओरिजिन दियंग ना लंचिन जति किस पाउचिस लंचिन जरना, ठीक है। अब जो न्यूरल इन ओरिजिन है मिंग पुगत सुख आसान तक दोस्तों शिक न्यूरल इन ओरिजिन इन मना खोई मिंगा न्यूरो हाइपोफाइसिस तक से ची तक से न्यूरो हाइपो, ठीक है, न्यूरल इन ओरिजिन इन मना खोई मिंग पची तक न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है दू, ठीक है। डर्मल इन ओरिजिन इन मना दू आ दू ना चुक्स में ना, ठीक है, एडिनो एडिनो हाइपो फाइसिस न्यूरो हाइपो फाइसिस फिर बस जर्चा न्यूरो खोरंग हाइपो खोरंग फाइसिस पे खोरंग एडिनो खोरंग हाइपो खोरंग फाइसिस पे खोरंग जर्चिता न्यूरल इन ओरिजिन बोले छह जर बाद डर्मल इन ओरिजिन बोले छह जर्चिन याद हुआ न्यूरल न्यूरो हाइपोफाइसिस एडिनो हाइपोफाइसिस जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है न्यूरो हाइपोफाइसिस है उदंग नंगा तंगा दो मेन हार्मोन दो हार्मोन स्टोर छा दियंग नु हार्मोन जी छा स्टोर छा दियंग नु हार्मोन फॉर्म छा लदन म दियंग खुरी हार्मोन जैसे चीज हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जिनु जब बार बार, ठीक है, हाइपोथैलेमस से हमारे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं कौन से हार्मोन ADH आशवा जिसको हम और क्या बोलते हैं वैसोप्रेसिन और हमारा ऑक्सीटोसिन आशवाश ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन वो तो स्टोर कर लुशिन पिचुची स्टोर कर लुशिन आशवाश न्यूरो हाइपोफाइसिस में स्टोर रहेगा हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस अंगता गिन के साथ हार्मोन जो कि बिल्कुल अभी याद हो जाएगा जैसे कि पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन छोड़ भी ना इंदर रिंगो छ चुकाने हार्मोन जो कि कहाँ एक्ट करेगा आपकी हड्डियों पे आपके मसल्स पे मेनली एक्ट करेगा ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं
ग्रोथ हार्मोन। आशावाश किसी ने बोला गोनेडोट्रोफिन, उसको हम गोनेडोट्रोफिन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन है हमारा कौन सा है, थायराइड को जो स्टिमुलेट करता है, नॉट जस्ट फिनाल, सिर्फ डायरेक्ट फंक्शन उसमें इनडायरेक्ट एक ग्लैंड उन कंट्रोल बचन दी थायराइड पर कंट्रोल बगने हार्मोन पे मीन पचीज अच्छे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यंग हार्मोन पे होती हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यंग आता ग्रोथ हार्मोन यंग हार्मोन पहुंचे LH सोर्बिना आशाबाज FSH सोर्बिना आशाबाज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी हार्मोन इसका मेल ना फीमेल इसके अंग खोला जोचन मेल अंग ना खोला जोचन फीमेल अंग ना जोचन चीला जोचन मतलब गोनाड्स स्टिमुलेट बचन फीमेल ओवरी स्टिमुलेट बचन मेल ही टेस्टिस स्टिमुलेट बचन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोलैक्टिन ठीक है और मेलानिन मेलानिन सोर बिना मेलानिन अच्छा बस स्किन। ठीक है, कर्फ पूछा चुनना मेलानिन कम बेक्रीम्स कुचिन। ठीक है, निमे का दुख पाना मेलानिन खुद ब खुद रोक छचिन चेस बना मेलानिन यूथ पे हिसाब पो स्किन पर प्रोटेक्ट छचिन सुई करना सन रेस करना। ठीक है, अब जो क्रीम होता है वाइटनिंग क्रीम वो क्या करता है मेलानिन को कम करता है, मेलानिन कम होगा तो स्किन को स्किन प्रोटेक्शन कम छचिन रोक छचिन नहीं वाइटनिंग क्रीम को और क्वेश्चन हुआ मस कू ना तो चीज छचा दू इसका मतलब स्कू ना तो सन रेज उड़ दो पिकअप होगा देखा ना चीज छचिन स्किन कैंसर जरूर भी नहीं था। ठीक है, पहले पहले पैचेस छचिन देखे ना टिका मुँह मचुक छचिन देखे ना वो दोनों इकट्ठा सो से छो छो दाग छचिन देखे ना कुल्या कुल्या चीज छचिन कैंसर छचिन। ठीक है, वाइटनिंग क्रीम मिसकुचा। ठीक है, अब मेलानिन प्रोलैक्टिन से बने चीज प्रो माने एक्टिव। ठीक है, प्रो माने एक्टिव या प्रोड्यूस बा लैक्टिन माने ओरिजिन प्रोलैक्टिन यानी ओरिजिन प्रोड्यूस बा खानी हार्मोन पो यानी ये मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा। ये जो मेलानिन है वो कहाँ एक्ट करेगा स्किन पे एक्ट करेगा FSH और LH गति घर एक बचिन FSH LH गोनाइड्स होने का एक बचिन गोनाइड्स मेल के केस में टेस्टिस पे एक्ट करेगा। ठीक है, और फीमेल के केस में ओवरीज पे एक्ट करेगा। ठीक है, फीमेल ओवरी उन्होंने और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा हमारे यहाँ पे दी दी एडम्स एप्पल यूज से दी का गति थायराइड ग्लैंड उन्होंचिन वो तो बटरफ्लाई शेप चौंचिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ग्रोथ हार्मोन जो कि बोन पे एक्ट करेगा और मसल पे एक्ट करेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ना हो तो घर जाके अपने किताबों से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ नहीं तो कहेंगे कि दिया खो सुनागा चाह साफ नाइन रिजा लेंदू। ठीक है, थैंक यू।